पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर काम करने वाली एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने विरोध व्यक्त किया, लेकिन दिशा की गिरफ्तारी को बीजेपी ने सही बताया। इस कड़ी में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने दिशा की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वह दिशा रवि हो या कोई और। विज ने कहा, सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन विरोध के लिए विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करना देशद्रोह है, और अगर इस पर रोक न लगाई गई तो यह छुआछूत की बीमारी की तरह फैलती जाएगी। इसके साथ ही विज ने प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि जो लोग इन्हें समर्थन कर रहे हैं उन्हें इनका मकसद पहचानना चाहिए। देशद्रोह का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो चाहे कोई और। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना अपराध है, प्रजातंत्र है, किसी भी मुद्दे पर कोई भी विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ साठगांठ करना ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है, और अगर हम इस पर तुरंत रोक नहीं लगाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये एक छुआछूत की बीमारी होती है, ये फैलती जाती है और वो देश के लिए हितकारी नहीं।